फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हमारे प्रिय भाई समीर भाई का जन्मदिन के लिए उन्हें तहे दिल से बहुत बहुत दुआएं देता हूं कि भगवान अल्लाह आपको चाहे तरक्कियों की उस बुलंदियों पर पहुंचाए कि जो चैनल आज आज तक और जी न्यूज चल रहे हैं उससे भी बड़े चैनल आपके शुरू हो जाए। क्योंकि बहुत धन्यवाद। इनका जो सिस्टम है खबरों का, लोगों की बात पहुंचाने का और लोगों की हेल्प करने का और हर किसी के साथ मिलजुल के रहने का, वो एक इंसानियत के लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि ये बहुत कम लोगों के बीच पाया जाता है कि जो कोई चैनल चला रहा है या कोई न्यूज़पेपर चला रहा है कहीं ना कहीं एटीट्यूड रखता है कि भाई मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं लोगों का ये करता हूँ। लेकिन ये आदमी है जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और हर किसी से मन प्रेम रखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपको भगवान लंबी आयु दे और बुलंदियाँ छुए, साथ में मैडम और जो भी आपके सहयोगी है भगवान उनको भी तरक्की और बुलंदियाँ छुआए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी टॉपिक पे आपने मेरा जब इतना तारीफ की है, बहुत अच्छा पत्र है, तो एक सवाल करना चाहूँगा कि मेरा एनजीओ है समाज सेवा एसोसिएशन, तकरीबन 2014 से चल रहा है, हमने एक भी प्रोग्राम इतना बड़ा नहीं किया जितना भव्य आप करते हैं, आप कैसे कर लेते, एक टिप दीजिए हमें ताकि हम भी कर सके आपकी तरह सेवा। सबसे बड़ी टिप तो एक ही है कि ऊपर वाला। सच बोलूं तो जिस प्रोग्राम को लेने के लिए मैं स्टार्ट करता हूं, सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पर कोशिश जारी रखता हूं। पर ऊपर वाला कहीं ना कहीं ऐसे जरिए बनाता है, ऐसे रास्ते खोलता है, और खास करके आप जैसे भाई जो हमारे साथ है कंधे से कंधा जोड़ के, और बहुत सारी चीजें हैं जिसका उतार चढ़ाव देखते हुए प्रोग्राम कब हो जाता है और सफल हो जाता है, जैसे कि आप तारीफ कर रहे हो, वो ऊपर वाले को भी मैं दुआ दूंगा कि हमेशा ऐसा आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखे। आपकी भी जो संस्था है वो भी ऐसे आने वाले दिनों में बड़े प्रोग्राम ले, और ये बड़े प्रोग्राम लेने का कारण एक ही होता है कि हर एक जरूरतमंद की हम थोड़ी सी मदद कर पाए, ये हमारे लिए इंसानियत वाली बात होती है। थैंक यू। मैं अजीज खान मलाड मालूनी से, आज समीर भाई के जन्मदिन पे हम लोग हर साल तो आते ही है और इस साल भी आए, और मालिक से दुआ करते हैं कि ये हर साल इसी तरीके से इनका जन्मदिन अच्छे से बने, और ये अच्छे एक समाज सेवकी भी, अच्छे रिपोर्टर भी है, और जो जनता के लिए ये जो आज गली गली के अंदर मोहल्ले के अंदर जो मुद्दों को उठा रहे, उससे मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि एक रियल पत्रकार का यही काम होता है। और जो बाकी और भी, जैसे मैं ऐसा बोलना नहीं चाहूँगा, जो और भी हमारे जो भाई है जो पत्रकारी की आड़ में, जैसे मैंने एक वीडियो चलाया था कि एक समोसा एक कटिंग चाय और कुछ 500 रुपए के लिए अपने जमीर को बेचने का काम कर रहे, वो इनसे सीखे, ये कहूंगा बस। मतलब ऐसा मैं लोगों को सिखाऊं कैसे? हाँ, नहीं नहीं, आप ये सिखाओ उनको कि मैं जिस तरीके से एक्टिव हूँ, काम करता हूँ, ये उनको बताओ ताकि वो समोसा खाना, चाय पीना और 500 रुपए लेना छोड़ दे। तो आपने देखा मुझे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। अजीत भाई मुझे तो नहीं बोल रहे, उन्होंने आपकी तारीफ की कि कुछ अलग ढंग से तारीफ थी, मैंने जैसे इन्होंने जो कहा इस न्यूज को, मैंने देखिए मैं तो हमेशा सर हमेशा मैंने ये कहा है कि जो पत्रकार ने अगर पैसा ले लिया, जिसने अपने जमीर को बेच दिया, वो पत्रकार नहीं है। हमें अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज हमारे समीर भाई का जो समाज की खबरें हैं, न्यूज जो चलाते हैं, माशाल्लाह मालवनी के अंदर बहुत सारी न्यूज वो कवर करते हैं, हर मुद्दे को कवर करते हैं, तो आज हमारा सौभाग्य है कि आज उनको मुबारकबाद देने का मौका मिला। आज उनका जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो उनको उसकी शुभकामनाएं, मुबारकबाद बहुत बहुत दिल से, और ऊपर वाले से दुआ भी है कि इनको आने वाले वक्त में और भी, मतलब जिस तरीके से जो काम कर रहे हैं उस काम करने की तौफीक दे, सच बोलने की, हक बात करने की, और बेबाक होकर जो न्यूज़ चलाते हैं उस तरह से आगे भी करने की तौफीक दे। एक तो ये बात थी, और दूसरा इस मौके पे मतलब जैसे मैं समय फाउंडेशन जो हमारा एनजीओ है उसमें भी कई हमारे कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी सहयोग इनका रहता है। अनाउंस करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि आज का जो दिन है, मैं चाहती थी कि जो किसी को भी मैं ये बात बताऊं वो एक खास मौका हो या खास कोई दिन हो, और इससे अच्छा दिन मुझे नहीं लगता है कि कोई और है। इनका जन्मदिन भी है, और मैं आप सबको सबसे पहले एक बात कह दूं कि इस वक्त हमारा चैनल के साथ साथ हमारी एजेंसी भी है, राइट टू इंफॉर्मेशन समाची खबरें न्यूज एजेंसी, उनमें मैं इनसे सीनियर हूं, लेकिन मैंने अभी जिस तरह आपसे कहा कि मैं सीनियर हूं, लेकिन मैं नहीं मानती ये हर जगह पे ये मेरे सीनियर थे, हैं और रहेंगे। हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला है। अगर आपको मुकाम हासिल करना है
कोई बड़े मुकाम का जी, मुझे ऑलरेडी बहुत सारे चैनलों से ऑफर आ चुका है, बट मैं जहाँ पर मैं खुशी फील करती हूँ मैं वहाँ रहना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे करियर स्टार्ट करने के लिए समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज एजेंसी से मैं जुड़ी थी और मैं हमेशा उन्हीं से जुड़ी रहूंगी। समीर जी, आपको मैं पूछना चाहूंगा कि एक तो पहली बात, आपका जन्मदिन है, बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप फरीदा जी के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत ब्राइट है, डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, हम कहीं भी रहकर अपने करियर को शुरुआत कर सकते हैं, हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है। हमारा भगवान कहता है, खुदा कहता है, तू मेहनत कर देने वाला मैं हूँ, तू मेहनत कर दूंगा मैं तुझे, तू जहां मांगेगा मैं तुझे दूंगा, ये मेरी सोच है और कई लोग इस तरह से मानते हैं। तो जैसी उनकी सोच, जहां नियत अच्छी होगी वहां खुदा और भगवान उनके साथ है। तो हम हमारे इस वीडियो में दिखाएंगे, और ये दोनों हमारे महारथी जो साथी है जो अंबुजवाड़ी से आए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपके एरिया में आते जाते देखा जाए तो काफी पाइपलाइन फूटी हुई है, हमेशा गंदा पानी वहां जमा हो जाता है, पानी आया तो ठीक है, नहीं तो जैसे ही पानी जाएगा लोगों के घर में मोटर लगे वो सारा गंदा पानी उनके घर में जाता है और वो पी के लोग बीमार होते हैं। उसके सुधार के लिए क्या करना चाहिए, क्या कुछ सजेशन देंगे हमारी जनता को या नेताओं से कुछ कहेंगे कि वो क्या करें आपके लिए, दोबारा वोट देना है कि नहीं देना है उनको? क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाए कॉल।